हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो मैं अभी धूप सेक रहा हूँ, और विटामिन डी आपको अगर पता ना हो तो इंडिया में 70 से 80% लोगों का विटामिन डी कमी होता है, मतलब आपका भी होने के चांसेस 90% हैं। तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है विटामिन डी का कम होना, लेकिन विटामिन डी हमें मिलना चाहिए। इसलिए अभी मैं धूप में बैठा हुआ हूँ और पूरा ऐसे बॉडी को एक्सपोज करना पड़ता है, गले में खराश हो रही है पूरा ऐसे बॉडी को ऐसे एक्सपोज करना पड़ता है, और ये पूरा ऐसे अपने आप को दिखाना पड़ता है कि धूप की तरफ को, तभी जाके हमको विटामिन डी मिलता है ऐसे पैरों में। और इसके बहुत से फ़ायदे हैं, वो आप पढ़ लेना। मेरे जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो दरअसल ये आ रहे हैं कि भैया थोड़ी सी मेरे को एक्सरसाइज करने में पहले से ज़्यादा वीकनेस है, मतलब पहले जितनी मेरी एक्सरसाइज करने की कैपेबिलिटी थी अभी उतनी नहीं है, उससे थोड़ा कम हो गई है। और फॉरेन कंट्रीज़ में आपने देखा होगा कि लोग छोटे कपड़े पहनते हैं, हम उनको बेवकूफ़ समझते हैं, हम सोचते हैं कि कल्चर लेस हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे वो जो सन बाथिंग करते हैं और वहाँ पे बैठ कर जिसे कहते हैं बीचों बीचेज़ में बैठते हैं, तो उससे वो विटामिन डी ही उनको मिल रहा है। तो हमें मतलब बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी विटामिन डी के ऊपर। और अगर आपको थोड़ी सी जिसे कहते हैं ऐसी हल्की सी दिन भर थकान रहती है, तो भैया आपके विटामिन डी के कम होने के चांसेस हैं। और भी बहुत से सिम्टम्स हैं इसके। तो अभी तो मेरे को करना है कोल्ड वाटर बाथिंग, क्योंकि कोल्ड वाटर बाथिंग बहुत ही आवश्यक है। तो अभी यहाँ से जाके सीधा कोल्ड वाटर बाथ करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक बिल्ली आई है, ये दूसरी बिल्ली है, ये हमारी वाली नहीं है, लेकिन अब इसको भी आइए तो कुछ खिला ही देते हैं हल्का सा। दोस्तों बिल्ली को खाना दे दिया है और अब मैं चलता हूँ थोड़ा वॉक करने के लिए, क्योंकि बहुत ही आवश्यक है। अभी मैंने नहा लिया है, कोल्ड वाटर बात कर लिया, उसके बाद सूर्य नमस्कार किए और उसके बाद स्किपिंग करी, अब वॉक करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कितना वॉक कर पाता हूँ आज मैं। अभी रेडी हो चुके हैं, सीधा चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चौबटिया मंदिर है और यहाँ पर हाथ जोड़ के सीधा चलते हैं। और यहाँ से व्यू कितना बढ़िया आ रहा है, इसी व्यू के लिए घूमने का मन होता है, नहीं तो फिर पॉल्यूशन बहुत है। और ये देखो, तो अब चलते हैं सीधा यहाँ से। मैं रोड से नीचे से होते हुए जा रहा हूँ और यहाँ पे रिंग रोड से होते हुए है। जय हिंद। जय हिंद। तैयारी चल रही है? हाँ। कैसी चल रही है, क्या बन रहे हो? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर बन रहे हो? हाँ। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? गौरव सिंह। कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है। अरे बाप रे, ये तो सच में बन रहा था मेरा बन गया मतलब। तो चलते हैं हम सीधा यहाँ से नीचे। तो दोस्तों 5-10 मिनट चलने के बाद मैं थोड़ा सा आगे को आ गया हूँ और यहाँ पे बड़ी अच्छी लोकेशन है ये नीचे देखो। अब यहाँ से चलते हैं सीधा आगे की तरफ को। दोस्तों यहाँ पे एक पार्क बनाया हुआ था, इसकी हालत बहुत ही बेकार हो चुकी है, और अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ लंबा वॉक करके। लंबा तो नहीं, मतलब ठीक ठाक वॉक करके मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ से ऊपर को जाऊँगा, यहाँ पर लिखा हुआ था आई लव चंपावत लिखा हुआ था और लोगों ने ये फाड़ के रख दिया। ये अभी दिख नहीं रहा है, ये दिख रहा है, ये देखो। ये लोग ऐसे काम कर देते हैं, लेकिन अभी 15 अगस्त आया है तो सब के सब अच्छी बात है, चलो वो भी, लेकिन धरातल में आप लोग काम का क्या करते हो वो यहाँ पे आके दिख जाता है। यहाँ पे लिखा था आई लव चंपावत, इसको क्या फाड़ने की आवश्यकता थी यार, फाड़ दिया है इसको, पता नहीं। अच्छा सा स्पॉट बना था ये फोटो खींचने का। तो अब मैं जाऊंगा यहाँ से सीधा मार्केट की तरफ को, और यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है पूरा, जिसे कहते हैं आधी रोड टूटी हुई है। चलते हैं सीधा ऊपर की तरफ। तो दोस्तों मार्केट की तरफ पहुँच चुके हैं और राखियों का भी सीज़न आने वाला है, और यहाँ से मैं अभी आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ कि जहाँ पर बच्चे बच्चों की रैली चल रही है। तो बच्चे यहाँ पर रैली कर रहे हैं, 15 अगस्त की तैयारी करने में लगे हुए हैं सारे। तो मैं घर पहुंच चुका हूं दोस्तों, और अभी मुनक्के पानी में भिगोए थे रात को, और इसको सुबह खाया जाता है, खाली पेट खाया जाता है। तो दोस्तों अब ब्रेकफास्ट करेंगे, और नाश्ते में है करेले की सब्ज़ी, मशरूम की सब्ज़ी कल रात की है, और ये झोली अभी, और एक रोटी खाऊँ तो खाता हूँ बस, और एक ये है दलिया। तो अब नाश्ता करेंगे।
दोस्तों मम्मी भी नाश्ता कर रही है और पापा तो अभी स्कूल गए हैं। पापा आपको दिन में दिखेंगे लंच के टाइम पे। और ये है यहाँ पे अंडा भी है क्योंकि मेरे को B12 की भी कमी है और B12 के सोर्सेज बहुत कम है, उसमें नॉनवेज ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा ऑमलेट भी खाऊंगा। दोस्तों अभी बज रहे हैं 11 और अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ी सी जिसे कहते हैं धूप भी ले ली है और नाश्ता भी कर लिया है, ब्रेस्ट किया जाएगा। दोस्तों पूरे 2 घंटे सोया हुआ है और अब यहाँ पे नींबू पानी पी रहे हैं। और ऐसा होता ही है जब ज़्यादा चल जाते हैं, ज़्यादा कसरत हो जाती है तो ज़्यादा फिर उसके बाद थकान लग जाती है। पूरे 2 घंटे नींद आई है। तो दोस्तों लंच का टाइम हो गया है और यहाँ पे राजमा बनी है। राजमा में भी विटामिन मिनरल्स होते हैं ना इसमें भी, और राजमा के साथ चावल खाएंगे और अभी लंच करेंगे। दोस्तों अब खाएंगे डार्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट हम रोज़ लंच के बाद खाते ही हैं, मतलब ये हमारे घर में रिचुअल बन चुका है। लंच के बाद डार्क चॉकलेट के 2 पीस खाते ही हैं। ये अमूल की डार्क चॉकलेट है और इसमें 55% है। ये है इसमें मैटर डार्क चॉकलेट का। दोस्तों अभी बज रहे हैं 4:45 और मैं खा रहा हूँ अनार। अनार में होता है फाइबर, तो आप भी आजकल सोच रहे होंगे कि ये फाइबर विटामिन डी और ये सब ज़्यादा की बातें कर रहा है, क्योंकि लाइफ में आजकल अभी यही चल रहा है। दोस्तों ये हमारे फेवरेट रोस्टेड काजू, और ये रोस्टेड काजू अपने सच में फेवरेट है, बहुत टेस्टी है और विटामिन डी है इसमें बहुत ज़्यादा। इंटरनेशनल यूनिट कुछ है इसमें विटामिन डी रोस्टेड काजू में। और ये रोस्टेड काजू दोस्तों वास्तविक तौर पर बहुत एडिक्टिव है। अभी मैं सोच रहा था केवल खाऊंगा 4 ही, लेकिन कभी कभी मैं क्या होता है 11-12 खा जाता हूँ। और दूसरा पैकेट चल रहा है अब इसका कुछ, मतलब 1 महीने के अंदर, ये कोई पहला पैकेट नहीं है, तो अभी मतलब एक और खाने का मन हो रहा है। 4 ही खाने हैं बस एक बार में, ज़्यादा नहीं खाने क्योंकि फिर वो काजू है भाई, बहुत ही एडिक्टिव है यार, सच में बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। दोस्तों ये मक्का आई है और ये हमारे खेत में है उगी हुई और इसको भी पकाया जा रहा है और ये इस सीज़न की पहली है मक्का। दोस्तों सीज़न की पहली मक्का टेस्ट करते हैं कैसी बनी है। बढ़िया बनी है और काले नमक लगा के अच्छी हो रही है। दोस्तों इतना बन चुका है ऊपर का फ्लोर और अभी ऊपर की तरफ जाते हैं और वहाँ पर जो दूसरी नई वाली छत है वहाँ पर बैठ के देखते हैं कैसा दृश्य आ रहा है वहाँ से। और ये रूम के बाहर यहाँ पर हमने बालकनी बनाई है और यहाँ से ऐसा व्यू आता है, तो अभी यहाँ पर बैठेंगे और थोड़ी देर हवा का खाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे फेवरेट बिस्किट मिल्क बिकीज मिल्की सैंडविच, और इसकी खास बात यह है कि इसमें विटामिन B12 भी है, और B12 विटामिन हो ना हो लेकिन वो अलग बात है, ये टेस्ट में बहुत टेस्टी होता है। और इसको मैं अभी कॉफ़ी के साथ खाऊंगा, इसको मैं कॉफ़ी के साथ 4 पीस खाता हूँ। और अभी हम नेस्कैफे की कॉफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ब्रू की कॉफ़ी भी मेरी फेवरेट है, लेकिन अभी तो नेस्कैफे का ही यहाँ पर डब्बा है, लेकिन मेरी जो फेवरेट है वो ब्रू की है, ब्रू की मेरे को ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये ब्रू का डब्बा ही पड़ा हुआ है, ये फिनिश हो गया, इससे पहले ही इसको लाइक लेके आए थे और ये बहुत ही जल्दी फिनिश हो गया क्योंकि कॉफ़ी हम लोग ज़्यादा पीते हैं। दोस्तों ये थे मिल्क बिकीज बिस्किट जिनकी मैं बात कर रहा था और इनको कॉफ़ी के साथ खाया जाएगा। ये मिल्क बिकीज बिस्किट आप भी ट्राई करना, मिल्क बिकीज मिल्की सैंडविच है।
पूरा नाम, इसको पक्का ट्राई करना। और ये बहुत ही टेस्टी होता है दूध के साथ, कॉफ़ी के साथ, चाय के साथ। मिल्क बिकीज़ मिल्की सैंडविच। तो दोस्तों कॉफ़ी हो गई है फिनिश और इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले ब्लॉग में।